हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भीषण गर्मी से हाथी की हुई हालत खराब, पानी की बौछारें डालकर पहुंचाई राहत। मॉनसून के प्रवेश करने के बाद भी जोधपुर में गर्मी का कहर जारी है। गर्मी के कारण यहां पशु पक्षियों के हाल भी बेहाल हो रहे हैं। गर्मी व उमस से किसी प्रकार से भी राहत नहीं मिल रही है। मानव जाति के साथ ही पशु पक्षी भी भीषण गर्मी से परेशान हो रहे हैं। गुरुवार को दोपहर में महात्मा गांधी अस्पताल के सामने जब एक हाथी गर्मी से त्रस्त हो गया तो एक मकान मालिक ने पानी के पाइप से इस हाथी पर पानी की बौछारें कर उसे गर्मी से राहत पहुंचाई। दरअसल मारवाड़ में सावन मास के दो सोमवार बीत जाने के बाद भी मानसून की सुस्ती बनी हुई है। इस कारण यहां बारिश का दौर थमा हुआ है। बारिश नहीं होने से समूच मारवाड़ सूखा पड़ा है। इस कारण यहां गर्मी व उमस से राहत नहीं मिल रही है। इधर मौसम विभाग का भी कहना है कि पश्चिमी राजस्थान में अभी बारिश का दौर सक्रिय होने में वक्त लगने की संभावना है। हालांकि अगले दो तीन दिन पश्चिमी राजस्थान के इलाके में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अंधड़ चलने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। पश्चिमी राजस्थान के इलाके में फिलहाल सावन सूखा बीत रहा है और अगले कुछ दिन और मौसम शुष्क रहने और दिन व रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखने की आशंका है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।